सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TIY न्यूज़। सो गाइज, यहाँ पर एक बार फिर रीवा और ध्रुवा जो है दोनों मिलकर सभी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करने वाले हैं। सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। दोस्तों, एक तरफ तो सभी पर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ ध्रुवा और रीवा दोनों साथ में मिलकर सभी के जख्मों पर नमक छिड़कने वाले हैं। दोस्तों, आज रीवा जो है सभी के साथ बदतमीजियों की सारी हदें पार कर देने वाली है, क्योंकि अक्का साहेब ने रीवा के मन में सभी के लिए जो जहर घोला है वो अब काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर अब रीवा के मन में सभी के लिए बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गई है, वो नहीं चाहती कि वापस अब सभी इस घर में आए। दोस्तों, जब यहाँ पर ध्रुवा को पता चलता है कि सभी हॉस्पिटल में है और उसकी दीदी का इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है, तो वो उसे नीचा दिखाने के लिए अपने साथ में रीवा को ले जाती है, ताकि वो वहाँ पर जाकर उसको नीचा दिखा सके, उसका मजाक बना सके। ध्रुवा और रीवा दोनों मिलकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ध्रुवा जो है सभी से कहती है कि तुम्हारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है, फिर तुम अपनी बहन का इलाज कैसे करो। ध्रुवा कहती है कि अब मैं देखूंगी कि तुम किस तरह से जो है पैसे अरेंज करती हो और किस तरह से अपनी बहन के इलाज के लिए यहाँ पर पैसे भरती हो। इसके बाद जो है रीवा सभी से कहती है कि सभी देखो, तुम टेंशन मत लेना, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे पैसे मांग लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। फिर अचानक से रीवा के मन में वो सारी बातें आ जाती है जो उसे अक्का साहेब ने बताई थी, मतलब कि अक्का साहेब ने जो उसके मन में जहर घोला था वो अब काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर रीवा जो है सभी से कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी मदद तो जरूर कर दूंगी, तुम्हें चाहिए या ना चाहिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हें जो है अब भोसले हाउस मुड़कर कभी नहीं आना है, और ईशान अब मेरा है, उसे अपने ख्वाबों ख्यालों में से भी निकाल दो, और अब भोसले निवास में सिर्फ मैं ही रहूंगी। और यहाँ पर बाकी की जो भी कसर बच जाती है उसे ध्रुवा पूरा कर देती है। और यहाँ पर ध्रुवा कहती है कि तुम्हारे घर से जाने के बाद यहाँ पर अक्का साहेब और रीवा वहिनी ने मिलकर जो है तुम्हारा पूरा सामान जो है घर से बाहर फेंक दिया, तुम्हारा जो भी सामान था हमने घर से बाहर फेंक दिया है। दोनों की यह बातें सुनने के बाद जो है सभी के मन में आता है कि ईशान ने उन्हें रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की होंगी। ईशान सर खुद नहीं चाहते होंगे कि मैं उस घर में वापस जाऊँ, खैर मुझे भी उस घर में अब वापस कभी नहीं जाना है। सभी तो कहती है कि यहाँ से तुम पहली फुर्सत में चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी तमाशा हो। और रही बात तुम्हारी हेल्प करने की, तो मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुम जैसे लोगों से मदद लेना भी नहीं चाहती, और ना ही मैं ईशान सर से कोई मदद लूंगी, मेरी बहन के इलाज के लिए मैं खुद काफी हूँ। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सभी के घर से जाने के बाद जो है सभी जिस तरह से ईशान से नाराज है, क्या ईशान उसे मनाकर वापस घर ले जा पाएगा, या फिर ईशान जो है उसे हमेशा के लिए खो देगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। चाहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि टीवी सीरियल से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज हम आपके लिए सबसे पहले लाते हैं यार, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के बाय बाय।